भारत की पवित्र पावन जीवनदायिनी माँ गंगा का जन्म पर गंगा दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। जबलपुर में भी भक्तों ने नर्मदा तट पर पहुंचकर गंगा दशहरे के मौके पर पूजन अनुष्ठान संपन्न किया। जबलपुर में नर्मदा के तट ग्वारी घाट बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सभी ने गंगा दशहरे के मौके पर नर्मदा तट पूजन अनुष्ठान संपन्न किया और दान भी किया। गंगा दशहरे के मौके पर देश में स्थित समस्त गंगा तटों पर विशेष पूजन होता है। इसके साथ ही देश में स्थित समस्त पवित्र नदियों के तट पर पहुंचकर भक्त गंगा दशहरे पर पूजन संपन्न करवाते हैं। ये हमारे यहाँ सुहागलें होती हैं औसान माता की, ये वही हो रही हैं। ये सुहागवती स्त्रियाँ करती हैं, वही हम लोग करने आए हैं आज। जैसे कि आज पावन दिन है, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा है, तो उसके प्रति आपने किस पूजन पाठ का किया? हमने आज औसान माता की पूजा की है गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में, और माता से सबके सौभाग्य की कामना करते हैं कि सबका सौभाग्य अमर रखे माता, सबको सुहागन रखे। सुहागन स्त्रियों का? जी, ये सुहागन स्त्रियों का व्रत है। नाम आपका? जी, मेरा नाम साधना तिवारी है। तो है आज के दिन का, आज माँ गंगा की कृपा से आज गंगा जी का जन्मदिन है। जिस प्रकार अपन माँ नर्मदा मैया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार आज इलाहाबाद प्रयागराज जहाँ जहाँ गंगा जी हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, आज ऐसा नर्मदा मैया की कृपा से गंगा जी का जन्मदिन होने से जो लोग गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो यहाँ आकर के स्नान करने से गंगा जी का फल प्राप्त कर रहे हैं यहाँ आकर के गंगा दशहरा में। इसलिए गंगा दशहरा के दिन जो लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं उनको गंगा जी का फल मिलता है, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। और आज माँ गंगा का जन्मदिन है मैन, इसलिए यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं। जो गंगा जी नहीं जा पाए वो यहाँ स्नान करके अपना पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं नर्मदा तीर्थ पुरोहित हनुमान जी वाले महाराज बाबू दुबे, जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।